اه اه على الحسن العبقى <applause> فالورد تطوع وعد आजबल शौन वजीम बसमीम अलहमदिल्ल अब्बिलआलमिनलात वाम हबीबलूबिना व तबीबी नफुसना व शफीआ जुनूबिना अफजल वलिना वशरफिलान العبد الميت الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام سمرة الكذب المهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة ومن الكرام आज के दर्स कानवान और आज के का कावान झूठ के नुकसान और झूठ के बुरे नतज और अवाकब और अंजाम को जो है बयान करना है पिछले दर्स में आपके ख़दमत में कुरान पाक की आयात और मासूमी के इरशादात की रोशनी में झूठ की मजम्मत और झूठ बोलने वालों की सरजनिश आयत की रोशनी में और रवायात की रोशनी में बयान की अब इन रवायात और आयत का हकीकत में एक ख़ुलासा भी है और झूठ और ग़लत बयानी के जो बुरे नतायज है उसकी जो अंजाम है उसकी जो नुकसान हैं उसके जो ज़रर है दुनिया के हवाले से जो हमारे लिए झूठ बोलने के बुरे नतायज है और उसके जो नुकसान है और इसी तरीके से झूठ बोलने से जो उखरवी हवाले से क़्यामत में जो हमारे नुकसान है और जो ज़रर है वो आपके खनमन में जो है आज के दरस में बयान करना है रिवायात में झूठ के बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे ज़रर और बहुत सारे बुरे अंजाम और, और बुरे नतज जो है बयान किए गए हैं आज सिर्फ फिर इसके तौर पर आल मोहम्मद की कलाम की रोशनी में और मासूमी के इर्शादात की रोशनी में झूठ के जो नुकसान हैं झूठ के जो ज़र्र हैं उसकी फहरिस जो आपके खनमन में, में बयान करना है सबसे पहले मौला का इनाथ अमीरमिन इमाम मौला अली का फरमान है झूठ का जो नतीजा है झूठ का जो आकेबत है झूठ का जो नुकसान है वो ये है झूठ बोलने वाला दुनिया में जलील होता है और उसकी जिल्लत और तो रसवाई होती है और कयामत में इस शख्स के लिए अजाब और एकाब है लिहाजा झूठ दुनिया में जिल्लत और तो रसवाई है और कयामत में अजाप और एकाब है इस सिलसिले में मौलिक इन ने फरमाया ये रिवायत जो है मीज़ान हकमा में किस्ब सफ़ा नंबर आठ सौ सत्तर पर यह रिवायत मौजूद है अन अमीर अमौमिन समरतुल्क अलमुहानतफ दुनिया वल अज़ाब फिला झूठ के नुकसानात और झूठ के नताइज और बुरे अंजाम को बयान करते हुए ने समरतुल किस्ब झूठ का जो नतीजा है झूठ का जो फल है झूठ का जो मेवा है उसकी जो आकिबत और अंजाम है वो ये है अलमुहानतफ दुनिया दुनिया में उसकी तोहन होती है उसकी जिल्लत होती है रसवाई होती है यानी झूठा इंसान अपनी इज्जत को अपनी शख्सियत को अपनी हैसियत को अपनी आबरू को खो देता है और जिल्लत और रसवाई को जनऊपाता है माज़ल्ला अगर माशरे में कोई इंसान झूठ जूट, झूठे के नाम से पहचाना जाए और सब के ज़बान पर अगर ये बात आ जाए कि फला आदमी झूठा है वो कभी सच नहीं बोलता है वो सरापा जो है ना वो झूठ बोलने वाला इंसान है ये बात अगर मशहूर हो जाए और ये चीज़ सब जहनों में अगर आ जाए तो फिर उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रहती है फिर माशरे में उसका कोई मकाम नहीं है और लोगों के पास जो उसका मकाम है मंजिलत है, हैसियत है आबरू है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जो है, हैसियत जो है तबाह हो जाती है इसलिए मौलाना फ़रमायामरतुल्क अलमुहानतफ दुनिया झूठ का जो नतीजा है झूठ का जो समरा है और झूठ का जो आकेबत है अलमुहानतफ दुनिया दुनिया में तोहन है दुनिया में तहक़ीर है ज़िलत है वज़ाबल आखरती और आखरत में अजाब है और एक़ाब है यानी झूठ बोलने वाला दुनिया में भी नुकसान और आ, जिल्लत और रसवाई उठा लेता है और फिर आखरत में भी उसको कोई सुकून नहीं है उसके लिए जन्नत नहीं है उसके लिए राहत नहीं है बल्कि महाज़ अल्ला वो अजाब इलाही जो है वो काटता है झूठ की वजह से या गलत बयानी की वजह से लिहाजा सबसे पहला नुकसान जो अमीर उमिन के कलाम और मौला की ज़बान पर आया झूठ दुनिया में ज़िलत का सबब है और आखरत में अजाब का सबब है दूसरा जो नुक़सान है जो ये भी मौलाए कायनत ने बयान किया है मैं सबसे पहले आपके खद में इन तमाम अहादीस का एड्रेस और इनका हवाला आपके खद में बयान कर देता हूँ इन तमाम अहादीस को मौलाए कायनत की मशहूर और मरूफ़ किताब गररिकम से जो है ना ली गई है और फिर मौलाए कायनत की मशहूर और मरूफ़ किताब नजलगा की आखिरी हिस्सा जो कलमातलकार और बहस हिकमत कहलाता है उस बहस कसार से और मौला के गरिकम से इन तमाम रिवायत को लिया है में मौला ने फरमाया झूठ इंसान की दीन की तबाही का सबब है वो शख्स जो खुदा नाहिस्ता हमेशा झूठ बोलने के आदि हो जिसकी ज़बान जब, पर सदाकत ना हो सच्चाई ना हो अगर झूठा इंसान हो तो उसका दीन तबाह हो जाता है उसका ईमान तबाह हो जाता है अगरचि वो मुमकिन अपने आप को दीनदार समझे अपने आप को बाईमान समझे लेकिन झूठ और दीन झूठ और ईमान एक जगह पर जमा नहीं होता है अगर खुदा ना ऐसा किसी की ज़िंदगी में झूठ आ जाए तो ईमान जो है हाथ से निकल जाता है और दीन जो है वो तबाह हो जाता है इसलिए इनाद ने फरमाया कसरतल्क तुफुलद्दीन व तजुमलविज़्र ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना तुफ से द्दीन दीन का दीन को फासद कर देता है दीन को तबाह कर देता है ईमान को तबाह कर देता है लिहाजा झूठ दीन की तबाही का सबब है ईमान की तबाही का सबब है कितना अजीम नुकसान कितना अजीम ज़रा ज़रा सब अगर गौर करें यही रिवायत इंसान की इबरत के लिए इंसान की नसीहत के लिए काफ़ी है कि हम समझते हैं कि एक झूठ बोल दिया ख़त्म हो गया ख़त्म नहीं हुआ है तुम्हारा ईमान चला गया है तुम्हारा दीन ख़त्म हो गया है और यह झूठ ने तुम्हारी जो असल तुम्हारी शख्सियत है हैसियत है या तुम्हारी जो अजमत है वो तुम्हारा दीन है तुम्हारा ईमान है अगर ईमान नहीं है दीन नहीं है तो तुम्हारी क्या हैसियत है मौलाना फरमाया झूठ इस क़दर नुकसानदेह कि इंसान का दीन और इंसान के ईमान को तबाह कर देता है कसरतुल कसरतलक तुफुल्दीन ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना बहुत ज़्यादा झूठ बोलना दीन की फसाद का सबब है दीन की नाबूदी का सबब है व तजुम्लविज़्र और क़यामत में एाब की संगीनी का सबब है इंसान की जो गुनाह है गुनाहों का जो बोझ है वो संगीन होता है वो वज़नी हो जाता है वो बोझ जो है वो बढ़ जाता है लिहाजा झूठ इंसान की गुनाहों के बोझ को अजाब की बोझ को या अजाब की संगीनी को बढ़ा देता है और दीन को तबाह कर देता है ये झूठ के दूसरा जो है वो नुक़सान अमीरमिन के कलाम से मौला की ज़बान से हज़रत सरवर कायनत ख़तमी मरतबत हजूर वसल्लम ने फरमाया झूठ नफाक है झूठ इंसान को मुनाफिक बना देता है वो इंसान जो झूठ बोलता है आहिस्ता आहस्ता वो मुनाफिकीन के सब में जो वो चला जाता है उसकी दिल से नूर ईमान खामोश हो जाता है शम ए ईमान गुल हो जाता है और खामोश हो जाता है और मुनाफिकत जो है उसकी दिल में जो है वो छा जाता है वह फिर मुनाफिक के सब में चला जाता है चनाच रवायत में आया है पैगंबर ने फरमाया तीन चीज़ें अगर किसी इंसान के अंदर मौजूद हो तो वो मुनाफिक है अगरचि वो नमाज़ पढ़ता हो अगरचे वो रोज़ा रखता हो अगरचे वह अपने आप को मोमिन समझता है लेकिन अगर तीन चीज़ें किसी इंसान के अंदर है तो वो हकीकत में वाकई में मुनाफिक है अगरचे वो नमाज पढ़ रहा हो अगरचे रोज़ा रख रहा हो अनिनबी सल्ला वसलम हजूर सल वसल् ने फरमाया सलासुन मन नफ़ी का न मुनाफिका व इंसामा वसल्ला वामा अन्स्लिम सला सुनमनकुरफ़ी का न मुनाफिका तीन सिफात है अगर किसी इंसान के अंदर ये तीन सिफात मौजूद हों उसके नफ्स में ये तीन सिफा अगर पाई जाएँ तो का न मुनाफिका तो वो मुनाफिक है वो महाज अल्ला मोमिन के सब से निकल जाता है और मुनाफिक के सब में शामिल हो जाता है व इंसा वसल्ला अगरचे वह वो नमाज़ पढ़ता है अगर चाहे वह रोज़ा रखता है वज़ा मान न हो मुसलिम वो अपने आप को मुसलमान समझता है मोमिन समझता है फिर भी जो है ना वो इसकी ना नमाज का फ़ायदा होगा ना रोज़े का फ़ायदा होगा ना अपने को मोमिन समझने का फ़ायदा होगा हकीकत में ये मु, मुनाफिक इंसान है तीन सिफत सबसे पहले इज़ा तन खाना कि जब लोग उसके पास अमानत रखें तो उस अमानत की जो है वह खयानत करें क्या वाजिबात में से और बहुत ज़्यादा ताक़द शुदा जो फ़र्ज़ है और आ, वाजिब है वो लोगों की अमानत की हिफाजत करना है अगर किसी शख्स ने आपके पास कोई अमानत रख दी है तो इस अमानत की हिफाजत करना और फिर ज़रूरत के मौके पर और तलब के मौके पर उस साहिब अमानत तक जो है ना वो अमानतों को वापस करना ये वाजिब और ज़रूरी है अगर कोई शख्स खुदा नास्ता किसी की अमानत में खयानत करता है यानी अमानत को ज़ाया कर दे या अमानत जब मुतालबा किया गया है तो मुतालबे के मौके पर अगर अदा नहीं करता है तो यह अमानत में खयानत करना मुनाफिकीन की जो मुनाफिक है ना वो पहचान है यह मुनाफिक की कीमत है ममिन मोमिन के दूसरे मोमिन की जो अमानतें हैं उस अमानत की अवला हिफाजत करता है संभाल के रखता है अपने माल की तरह और अपने सरमाए की तरह उसकी हिफाजत करता है निगाहदारी करता है देखभाल करता है और फिर जब ज़रूरत का मौका आ जाए वो मुतालबा करे तो उसको वापस कर लेता है लिहाजा अमानत की हिफाजत ईमान की अलामत है और अमानत में खयानत करना ये मुनाफिक की है ये सबसे पहली पहलीत जो मुनाफिक की है दूसरी अलामत यह है कि वही हद दसा कजिबा कि मुनाफिक वो है जब वो बात करे तो झूठ बोले उसकी बातों में सदाक़त नहीं है उसकी बातों में सच्चाई नहीं है जब भी बात बोलता है तो झूठ बोलता है कभी भी वो हकीकत और वाकयत को बयान नहीं करता है और ग़लत बयानी और झूठ पर जो है ना उसकी बातें मबनी है यह दूसरी अलामत कि झूठ बोलना यह मुनाफिक की अलामत है सच बोलना हक हाँ बात करना ये मोमिन की जो है वो अमत है और तीसरा जो मुनाफिक की अमामत है वह इज़ा वदा अखलफा जब वादा किया जाए तो वादे में ख़िलाफ़ वर्जी करता है लिहाजा ये रिवायत नजुल्फसाहा में जो पैगम्बर की मशहूर मारूफ किताब है बयान किया गया है झूठ की नुकसान में से झूठ के ज़रर में से एक अहम तरीन नुकसान झूठ इंसान को मुनाफिक बना देता है जैसे इस रिवायत में आपके हमें में बयान की झूठ की जो चौथी जो, जो है चौथा जो, जो नुकसान है और ज़र्र है वो झूठ इंसानियत की तबाही के सबब है इंसानियत सरमाया है इंसानियत जो है वो इंसान की असल शख्सियत और अज़मत की जो है ना वो वोत है किसी के पास अगर इंसानियत है मुरवत है तो लायक एहतराम है वो वाजिब तज़ीम है अगर उसके पास इंसानियत ही नहीं है उसके पास मुरत नामी इंसानियत नामी कोई चीज़ नहीं है तो वो न तनह इंसान नहीं है बल्कि वो हैवानों में शामिल है मौलाए कायनात ने फरमाया मन मनकजबा अफसदा हो वो शख़्स जो झूठ बोलता है उसकी इंसानियत तबाह हो जाती है उसकी इंसानियत जो, खत्य। जो, खत्य। है।, जो है वो ख़त्म हो जाती है लिहाजा झूठ के नुकसान में से चौथा जो नुकसान है वो इंसानियत और इंसान की इंसानियत के लिए नुकसानदेह है और इंसान की नुकसानियत तबाह करने वाली चीज़ें झूठ के नुकसान में से एक अहम तरीन नुकसान वो शख़्स जो ज़्यादा झूठ बोलता है उससे लोगों के अतमाद ख़त्म हो जाता है फिर लोग उस पर अतमाद नहीं करते लोग उस शख़्स पर एतमाद करते हैं उस शख़्स पर भरोसा करते हैं जो हमेशा सच बोलता है जिसकी ज़िंदगी में झूठ नहीं है हकीकत को बयान कर लेता है वाकयत को बयान कर लेता है लिहाजा मौल का इनान फरमाया वो शख़्स जो ज़्यादा झूठ बोलने वाला होगा वह अपनी एतमाद को खो देता है फिर लोग जो है वो उसके ऊपर अहतमा नहीं करते और माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसका एक मरतबा झूठ पकड़ा गया दो मरतबा झूठ पकड़ा गया तीन मरतबा जो है वो झूठ पकड़ा गया फिर जब लोग देखा कि तो कभी सच नहीं बोलते फिर उसके साथ ना लेंदेन करते हैं ना उस पर अहतम कर लेते हैं फिर उस आदमी को नाकबिल भरोसा समझते फिर उस पर भरोसा नहीं करते उनकी बातों पर फिर अहतमान नहीं करते लिहाजा झूठ के नुकसान में से एक अहम तरीन नुकसान इंसान को इंसान का जो एतमाद है वो ख़त्म कर जाता है और इंसान के अतमाद जो है वो ज़ाया हो जाता है इसलिए मलाइका इनाद ने फरमाया मन अरफा बिल्कस कल्लत अस्कत भी वो शख्स जिसको झूठ के नाम से पहचाना जाए यानी जिस शख्स को झूठा इंसान कहलाए कल्लत अस्कतु भी उस पर लोगों के एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है लोगों को भरोसा जो है वो ख़त्म हो जाता है लिहाजा झूठ एतमाद का दुश्मन है झूठ भरोसे का दुश्मन है सच कहने वाले इंसान पर लोग एतमाद करते हैं भरोसा करते हैं लेकिन जब झूठ बहुत ज़्यादा बोलने लगे तो लोगों के एतमाद और भरोसा जो वो ख़त्म हो जाता है फिर वो तनहा रह जाता है कोई ना उसकी बात पर अहतमद करता है ना उस शख़्स पर जो एतम करता है साथ साथ फरमाया वमन तजन्नबा अनिल किसब सद अकवा लहो और अगर किसी शख्स ने अपने आप को झूठ से बचाया है और हमेशा सच बोलता है तो लोग उसकी बातों पर एतमाद करते हैं और उसकी अखवाल की तस्दीक करते हैं जब वो कोई बात करे चूँकि वो झूठ ही बोलता है तो उसकी बात की तस्दीक करता है उसकी बात को मानता है लेकिन अगर ख़ुदा नेता झूठ बोलता है तो कभी कभार सच भी बोले तो लोग नहीं मानते लोग उसकी तस्दीक नहीं करते चूँकि झूठ बोलने की आदत है इस शख्स को मजीद जो है वो झूठ की नुकसान और ज़र्र को बयान करते हुए मौल का ने फरमाया झूठ बोलना बास फ़कर्र है बासबत है यानी ज़्यादा झूठ बोलने से इंसान फकीर हो जाता है इंसान के रस्क में कमी आती है इंसान की माल और दौलत जो खुदा ने दी है वो माल और दौलत जो है वो चली जाती है इंसान के हाथ से खुदा की नमतें जो है वो ज़ाया हो जाती है लिहाजा सदाक़त और सच्चाई माल और दौलत की फरावानी का सबब है और ग़लत बयानी और झूठ माल और दौलत के ज़ाया होने का सबब है फ़खर और गुरबत का सबब है चनाची इस नुकसान को बयान करते हुए मोला का फरमायादुलफर इंसान का झूठ की आदि होना झूठ की आदत जो है ना पैदा होना ये अगर कोई शख्स अपने आप को झूठ की आदि बना दिया है तो यू रिसल ये उसकी फक्र का सबब है उसकी गुर्बत का सबब है एक और रिवायत में आया है ये भी मौला का कलाम है अल कु झूठ इंसान के रज्क की नुकसान का सबब है अगर चाहे आपके पास रिस्क है दौलत है सरमाया है लेकिन आप झूठ बोलते रहेंगे तो ये आपका जो रज्क है आपका जो सरमाया है आपके हाथ से निकल जाएगा मौलाना यन कसुर रिज रज की नुकसान का सबब है यानी झूठ डायरेक्ट जो है वो इंसान के रस्क पर हमला करता है और रिस्क को जो है न वो तो उसको नुकसान देता है और रिस्क जो इंसान के हाथ से जो है वो निकल जाता है लिहाजा झूठ बोलना बायस फ़ख्र है गुरबत है और रज़ और दौलत की जो है वो दौलत से महरूमी का जो है वो सबब है हज़रत सदक़ आल मोहम्मद ने फरमाया इंसान की अजमत और इंसान की शख्सियत सदाकत में है सच्चाई में है वह इंसान जिसकी सच्चाई जिसकी सदाकत सब के पास मुसलम है और यकीनी है सब लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे सब लोग उसकी शख्सियत का जो है वह अतराफ़ करेंगे और अगर ख़ुदा नाहिस्ता अगर लोगों को पता चल जाए कि ये सदाकत के मालिक नहीं है बल्कि बहुत झूठ बोलता है तो मौलाना ने फरमाया फिर इसकी जो आज़मत है इसकी जो शख्सियत है वो ख़त्म हो जाती है लिहाजा झूठ के नुकसान में से सातवां नुकसान ये है कि झूठ इंसान की शख्सियत को ख़त्म कर देता है इंसान की अजमत को ख़त्म कर देता है इस सिलसिले में सादक फरमाया ला तक फ़ैज़ हबू मौला ने अपने चाहने वालों को मोमिन को नसीहत करते हुए फरमाया ला तकज़जीब कभी झूठ ना बोलना कभी भी झूठ ना बोलना अगर तुम झूठ बोलेगे तो उसका नुकसान ये है उसका नतीजा ये है फया जहाबू बहाओ का तुम्हारी जो हैसियत है तुम्हारी जो अजमत है तुम्हारी जो शख्सियत है वो चली जाएगी और सदाकत तुम्हारी शख्सियत की शख्सियत की अलामत है तुम्हें शख्सियत देती है और झूठ बोलना तुम्हारी जो शख्सियत है उसको ख़राब करता है और तुम्हारी शख्सियत को तबाह करने वाली चीज़ है झूठ के नुकसान में से एक और अजीम एक नुकसान झूठ की वजह से इंसान इबादतों से महरूम हो जाता है इबादत की जो तोफ़ी है कभी अल्लाह ताला को नमाज़ अल्लाह ताला हमें नमाज शब की तोफीक़ देता है कभी जो है वो नेकियां करने की तोफीक देता है बहुत सारे लोगों को अजीम आमाल और इबादत करने के खुदा ने तोफी दे रखा है लेकिन अगर खुदा ना झूठ बोलें तो उसका नतीजा ये होता है ये जो इबादत की तोफ़ी है इसके आमाल की जो तोफ़ी है नेकियों की जो तोफी है उसके हाथ से निकल जाती है फिर वो आमाल से महरूम हो जाता है वो इबादत से जो है वो महरूम हो जाता है यानी झूठ आमाल का दुश्मन है इबादत का दुश्मन है फिर इंसान को न तनह इबादत की तोफ़ी नहीं होती बल्कि इबादत करने पर जो है वो उसको दिल नहीं लगता है नमाज में दिल नहीं लगता पढ़ने के लिए जो है वो संगीनी महसूस करता है चनाची झूठ बोलने से इंसान की आमाल और इबादत की जो तोफी वो खत्म हो जाती है इस सिलसिले में इमाम का फरमान है फरमानेजुला लयकता फेरबा सला तजरत सदक आल मोहम्मद ने फरमाया जब इंसान दिन में झूठ बोले तो रात में नमाज शब की तोफ़ी उसके हाथ से निकल जाती है या अगर तुम दिन में सच बोलोगे तो रात में अल्लाह तुम्हें नमाज शब के लिए उठाएगा फरिश्ते तुम्हें उठाएगा और नमाज़ अशरप पढ़ने की जो तोफ़ी है अज़ीम तोफ़ीक में से यह अम्बिया के लिए अलिया के लिए बुज़ुर्ग हस्तियों को यह तोफ़ी जिन्हें वह हासिल है ये उन लोगों को यह तोफ़ी मिलती है नमाज़ शब पढ़ने की जो हमेशा सच बोलते हैं वो सदाक़त के मालिक है तो अल्लाह ताला सदाकत की वजह से उनको नमाज़ अशब की तोफ़ी देता है लेकिन अगर वो दिन में झूठ बोले तो रात में इतनी उसकी नींद संगीन है इतना जो है ना बद उसको हो जाती है कि उसकी नमाज शब की तोफीक़ उसके हाथ से निकल जाती है लिहाजा नमा झूठ के नुकसान में से एक आठवां जो नुक़सान है वो झूठ की वजह से इंसान के जो आमाल है और इबादत है ख़ास तौर पर जो नमाज शब है इसकी तोफ़ी से वो हाथ से निकल जाता है एक और रिवायत में आया है एक शख्स जो नमाज शब पढ़ते थे और नमाज शब के तोफ़ी अल्लाह ताली ने उसको दी थी लेकिन कुछ दिन जो है वो नहीं जाग सके और नमाज शब की तोफ़ी जो उसके हाथ से निकल गई तो इमाम मौला कायनात की खिदमत में आए और आके मौला कायनात से अर्ज़ किया मौलिक कायनान ने फरमाया अंता कत रजुलदत का जुनूबुक तुम वो इंसान है कि तुम्हारे गुनाहों ने जो है ना तुम्हारे पाओं को बांध दिया है अब तुम चाहते हो नमाज शब पढ़े लेकिन दिन के जो तुमने गुनाह किए हैं ये गुनाह सबब बना है रात में जो है नमाज शब की तोफीक से महरूम होने का और तुम्हारे पाँव को तुम्हारे गुनाहों की जंजीर में बांध दिया गया है हकीकत में तमाम के तमाम गुना वो आमाल की दुश्मन है इबादत की दुश्मन है जंजीर पा है पाँव की जंजीर इंसान को बांध देता है वो इबादत की तरफ नेकी की तरफ जाने नहीं देता है इंसान के गुना और गुनाहों में से एक बुज़ुर्ग गुना झूठ बोलना है लिहाजा तमाम के तमाम गुना जो है वो इंसान को आमाल से महरूम कर देता है और आमाल से आ, आमाल की तोफीक़ को ज़्यादा कर लेकिन उसमें से जो गुनाहों में से एक अहम तरीन गुनाह जो तोफी इबादत के लिए दुश्मन है वो झूठ बोलना है एक और रिवायत में आया है झूठ के नुकसान में से ये नवा नुकसान है सदक आल मोहम्मद ने फरमाया झूठ बोलना बासीान है यानी जो आदमी झूठ बोलता है उसका हाफज़ा ख़त्म हो जाता है फिर जो भी इंसान याद कर लेता है जो नहीं भूल जाता है इसी वजह से मशहूर मसल है ईरान में दरोगो हाफिजा नजारत झूठ बोलने वाला आदमी के पास कोई हाफिजा नहीं है वो अभी झूठ बोला है और लोगों को पता है कि इसने झूठ बोला है। फिर एक और झूठ जो ना भूल जाता है अपने झूठ को भी भूल जाता है कि मैंने झूठ बोला था लिहाजा वाकन जो है ना झूठ जो बहुत सारे नुकसान का सबब है उनमें से एक अहम तरीन जो नुकसान का सबब है झूठ इंसान के हाफिजे पर अटैक करता है और इंसान के हाफिजे को ज़ाया कर देता है और हाफिजे को ज़र देता है इस सिलसिले में सादिक आल मोहम्मद का फरमान है इन्ना मिम्मा आन बिही अन्निस्यान। झूठ बोलने वालों की नुकसानात में से एक अहम तरीन नुकसान अन निस्यान और फरामोशी है वो शख़्स जो सदाकत का मालिक है अल्लाह ताला उसको हाफ़िज़े की नमत अता करता है लेकिन अगर वो झूठ बोले तो ये झूठ की वजह से उसका हाफिजा जयफ हो जाता है उसके हाफिजा जो ख़त्म होता है इस सिलसिले में मौलाए कायनात अमीरुल अमीरमिन का फरमान है यकब अलकाजिबु बिकज़बिही सलासन झूठा इंसान अपनी झूठ की वजह से तीन नुकसान उठाता है तीन उसको जरर हासिल होता है तीन नुकसान जब वो उठाता है सबसे पहला नुकसान अलैह अल्लाह ताली का ग़ज़ब उस शख्स के लिए है अल्लाह नाराज़ होता है झूठ का एक अहम तरीन नुकसान नाराज़गी परदिगार है खुदा की नाराज़गी और ख़ुदा का ग़ज़ब है यह सबसे पहला नुकसान दूसरा नुकसान वह इसहानतनासी बही फिर लोगों के पास भी इसकी कोई इज्जत नहीं रहती इसकी कोई शख्सियत नहीं रहती लोग भी नाराज़ हो जाते हैं और इसकी जो शख्सियत और जो मकाम लोगों के दरमियान में वो ख़त्म हो जाती है और उसका कोई कोई मकाम नहीं रहता है लिहाजा पहला नुकसान खुदा की नाराज़गी दूसरा नुकसान लोगों की नाराज़गी और लोगों के सामने लोगों के जहनों से उसकी शख्सियत का ख़त्म होना और तीसरा नुकसान व मकतुलमला लहू फरिश्ते भी इससे नाराज़ हो जाते हैं झूठ एक बोला है लेकिन एक झूठ की वजह से तीन नुकसान हुआ है अल्लाह नाराज़ हुआ है मोमिन नाराज हुए हैं और फरिश्ते है ना वो नाराज़ हुआ है लिहाजा झूठ एक झूठ की वजह से इंसान को तीन नुकसान पहुँचता है खुदा की नाराजगी मोमिन की नाराज़गी फरिश्तों की नाराज़गी झूठ के, के, के नुकसान में से ग्यारहवा नुकसान ये है सरवर कायनत हजरत मरतबत का फरमान है अल किसबू क़यामत के दिन क़ुरान पाक में आया है लोग दो हिस्सों में तकसीम होंगे या तो उनके चेहरे नूरानी होंगे सफ़ैद होंगे चौदहवीं की चांद की तरह चमकते हुए उनके चेहरे होंगे या फिर उनके चेहरे सियाह होंगे और तारीख़ होंगे या वो मतस्वतलजू व तबियसू क्यामत के दिन वो दिन है कुछ लोगों के चेहरे सियाह होंगे इंतहाई तारीख़ होंगे और कुछ लोगों के चेहरे जो है इंतहाई नूरानी होंगे किन के चेहरे नूरानी होंगे जिनके अमाल जिनकी इबादात जिनकी ईमान और जिनकी तकवा सबसे ज़्यादा है ख़ास तौर पर रिवायात में आया है वो शख्स जो आमाल और इबादात के साथ साथ जिसकी दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत बैत है बहुत ज़्यादा इश्क बैत है थे बैत की मोहब्बत और मार्फत जिसकी दिल में सबसे ज़्यादा हो क़यामत के दिन वो इंसान सबसे ज़्यादा नूरानी होगा ये पैबर का फरमान है नूरन अशद्दकुम नूर ययामा अशद्दुम हुब आल मोहम्मदिन क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा नूरानी शदीद नूर बहुत ज़्यादा नूर उस शख़्स को हासिल होता है अशद को महब्बल ने मोहम्मद जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अहलबियत जो है जिसके दिल में हो यूँ तो तमाम मोमिन अपने दिल में हब्ब और इश्क़ अहलबेद मारिफ़त अहबैद रखते हैं लेकिन ये मोहब्बत के दर्जात हैं मारफ़त के दर्जात है सलमान के दिल में भी मोहब्बत है अबाज़र के दिल में भी मोहब्बत है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है न वो फ़र्क़ है जितना मोहब्बत ज़्यादा हो उतना उसके चेहरे पर नूर ज़्यादा होगा लिहाजा मोहब्बत अमल ईमान तकवा ये सब के सब क़यामत के दिन बायसे नूरानियत है लेकिन उसके मुकाबल में क़यामत के दिन उन लोगों के चेहरे सियाह होंगे तारीख होंगे जो बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाले होंगे मासीत करने वाले होंगे क़ुरान पाक में आया है काफीन का चेहरे सियाह होंगे गुनाहगारों के चेहरे सियाह होंगे सरवर कायनत ने फरमाया चेहरे को सियाह करने वाले क़यामत के दिन इंसान के चेहरे को सियाह करने वाले अवामिल में से असबाब में से सबसे अहम तरीन जो सबब है वो झूठ है झूठ बोलने वाला दुनिया में भी उसका चेहरा सियाह होता है रजी और बेजती तोहन का सबब है और क़यामत में भी झूठ जो है इंसान के चेहरे को सियाह कर देता है देखें पैबर का फरमान है कसबू के झूठ जो है वो इंसान की चेहरे को सियाह कर देता है और भी बहुत सारे हमने झूठ के नुकसान बयान किए हैं अब चूंकि ग्यारह तक पहुँचे बारह तक पहुँचा देता हूँ और बारवा जो नुकसान है मौलिका इन्हार ने फरमाया झूठ दुनिया में आर का सबब है जिल्लत का सबब है आख़रत में नार का सबब है झूठ दुनिया में बायस आर है नंगो जिल्लत है और आखरत में बायस नार है यह मौला का फरमान है अलबुन मिनल आर उन वफिल आखरती अजाब नार झूठ दुनिया में आर नंगो जिल्लत का सबब है और आखरत में अजाब नार का सबब है जहन्नम की आग का सबब है मोमिन कर इन रिवायात का खुलासा आप अपनी जिंदगी में सदाकत को जरूरी करार दें और झूठ से शिद्दत के साथ जो है ना वो इजतनाब करें तो ये सारे जो नुकसान हैं उससे आप बच सकेंगे हम झूठ का इलाज कैसे करें ये रिवायात हकीकत में हमें इलाज करने का तरीक़ा बयान करती है झूठ का इलाज बेहतरीन इलाज ये है कि आप झूठ की वजह से जो इंसान को नुकसान और इंसान के लिए जो ज़रूर हासिल होता है झूठ का जो अवाकब है झूठ के जो अनजाम है झूठ का जो नतीजा है उस पर अगर आप गौर करेंगे कि झूठ आपकी दुनिया की इज्जत को भी ख़त्म कर दे दें करने वाली चीज़ है आख़रत को भी जो है ना आपकी तबाह करती है तो जब ये सारे ज़र्र आपके सामने नज़र आएंगे तो यकीनन जो है आप झूठ से जो है ना वो बचेंगे लिहाजा झूठ के इलाज के लिए जो अखलाक ने बयान किया है सबसे पहले झूठ के इलाज के लिए झूठ के जो अवकफ़ है अंजाम है उसका जो ज़रर है उस पर जो है न वो गौर करे और दूसरी बात यह है कि अगर कोई शख्स वाक़न झूठ के लिए इलाज करना चाहता है झूठ से अगर वो बचना चाहता है वो आले मोहम्मद की कलाम का मुाल करे रिवायात का जो है ना वो मुताल करे और साथ साथ झूठ बोलने वाले की जो आख़रत में अंजाम है उसकी कितनी अज़ाप है कितना उसके लिए अकाब है और उस दुनिया में जो झूठ के जो आ, अंजाम है और आकबत है इस पर अगर हम गौर करेंगे तो यकीन हमें झूठ की बीमारी से और इस बुरी सिफत से जो वो नजात मिल जाएगी और साथ साथ ये है ये शुदा चीज़ है अगर किसी के घर में लोग झूठ बोलते हैं माँ झूठ बोलती है बाप जो है न वो झूठ बोलते हैं तो इसका नतीजा यह है कि इसका बच्चा भी जो है झूठा निकलता है और मुमकिन नहीं है कि झूठे बाप का सच्चा बेटा हो झूठी माँ का जो है ना वो सच्ची जो है ना वो बेटी हो जो घर का माहौल है वो बच्चे जो है वो ले लेते हैं जब देखते हैं कि घर में सब नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं घर में तमाम लोग क़ुरान पाक की तिलावत करते हैं तो बच्चा भी जिन्हों तिलावत को पा लेता है तिलावत को देख लेता है और वो तिलावत के आदी होते हैं इसी तरह से घर में सब एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं एहतराम करते हैं अखलाक़ से पेश आते हैं बेहतरीन अल्फाज से एक दूसरे को पुकारते हैं तो बच्चा भी बे नहीं करता अल्फाज नहीं करता इसलिए कि अल्फाज तो सुना ही नहीं है उसके कानों से गलत जुमले तो टकराए ही नहीं तो गलत जुमले कान से याद करेगा लिहाजा घर का माहौल अगर वाकन झूठ तो घर के माहौल में नहीं है तमाम खूबियाँ हैं तमाम नकियाँ हैं घर में इज़्ज़त है अहतराम है अखलाक है वक़ार है नमाज है तिलावत है मजलिसें हैं ये शुदा चीज़ है अगर बचपने से बच्चों को मजलिस में ले जाएंगे और आज़ादारी की जो है उसको आदत देंगे तो बच्चा आज़ादार बन जाएगा और आप बचपने से बच्चे को नमाज जुमा में ले जाएंगे तो बच्चा नमाज़मे के पाबंद हो जाएगा आप बचपने से बच्चे को आप बच्चे के सामने कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो आपका बच्चा कुरान पाक की तिलावत करने वाला होगा लिहाजा जो बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत देने वाले हैं उनके लिए बच्चों की तरबियत ज़बानी नहीं है लसानी नहीं है लोग जबान से बच्चों को नसीहत करना चाहते हैं इसके असर कम है जबान के असर बच्चों के लिए बहुत ही कम है बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो माँसर है वो इंसान का किरदार है वो इंसान का आमाल है घर का माहौल है घर की फ़ज़ा है जब आपने घर के माहौल को दीनी बनाया इलाही बनाया कुरानी बनाया तो पाकिज़ा माहौल में तरब पलने वाला जो बच्चा है पाकिज़ा माहौल में रुश्त और तकामुल करने वाला जो बच्चा होगा वह दीनी बच्चा होगा वह इलाही होगा वह खुदाई होगा वो, वो यकीन जो है ना वो दीनदार होगा लिहाजा अगर आपके लिए झूठ के इलाज के लिए इस बात पर भी अगर आप तवज़ो करेंगे कि आप झूठ बोलेंगे तो आपकी औलाद खराब हो जाएंगे उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा तब भी जो है ना आपके लिए यही झूठ से बचने के लिए जो है वो काफी है अब चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है हम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं खुदा या परवरदिगार आल मोहम्मद ने हमें झूठ से बचने की ताकीद की है और इतने ज्यादा झूठ के जरर और नुकसान को बयान करके हमें झूठ की अवाकब से अंजाम से उसके नुकसान से आगाह किए हैं खुदा या हमें सदाकत और सच्चाई अख्तियार करके झूठ के इन नुकसान से इन तमाम ज़रर से और बुरे अंजाम और आकबत से महफूज रहने की तोफ़ी अता फरमा खुदा या परविगार हमें अपने घर के माहौल को दीनी बनाने की नेकियों को अखलाक को अहतराम को, को आदाब को अपने घर में मुलाजा करने अता की तोफीक़ा फरमा आल मोहम्मद की तलीमत पर उनकी रिवायात परमल करने की तोफ़ी इनायत फरमा इमाम ज़माना के जहूर में ताजील फरमा ربنا تقبل منا بجاه محمد وآل طيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه